अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेट्स बिगिन जी विद कैम्ब्रिज IGCSE फिजिक्स का एमसीक्यू है ये, कोड 22 मई जून 2020। 45 मिनट्स, रुकना नहीं है किसी सवाल पे, चलते रहना जब तक होता जा रहा। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है कि फाइव एथलीट्स PQRS&T कंपीट इन अ रेस। द टेबल शोज द फिनिशिंग टाइम्स फॉर द एथलीट्स। देखिए, कहता है फाइव एथलीट्स हैं PQRS&T, वो कहता है कि दे कम्पीट इन अ रेस। टेबल शोज द फिनिशिंग टाइम्स। अब देखिए, उसने पी वाले एथलीट ने 22.50 सेकंड्स में रेस ख़त्म की, क्यू वाले एथलीट ही टुक 24.4 सेकंड्स टू फिनिश द रेस, आर फिनिश्ड इट इन दिस। अब देखिए, जो सबसे कम वक्त में जाहिर है रेस फिनिश करेगा वही विनर होता है। तो वो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सवाल है, कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कि एथलीट पी वन द रेस एंड वाज 0.70 सेकंड्स अहेड ऑफ द एथलीट इन द सेकंड प्लेस। चलो देखते हैं जरा। देखिए, इनमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो इस पी का है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट टाइम देखिए इन सारों में इस पी का है, तो जाहिर है पी इज द विनर। अच्छा, अगर पी विनर है तो इसका मतलब है सेकेंड प्लेस पे कौन होगा जिसका सेकेंड हाइस्ट टाइम हो। तो देखिए 24.40, 25 है, 26 है, 23 है। इसका मतलब है ये टी इज द सेकंड प्लेस, ये वाला ही मस्ट हैव कम सेकंड, ये सेकंड पोजीशन पे आया होगा। तो देखिए, एथलीट पी वन द रेस एंड वाज 0.7 सेकंड्स अहेड ऑफ द एथलीट इन द सेकंड प्लेस। तो जरा इनके टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि ये कितना आगे था। तो 23.20 माइनस 23.20 माइनस 22.50, तो इसका मतलब है कि ये 0.7 सेकंड्स ही बनता है। तो बात तो ये बिल्कुल सही कर रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो वाकई में इन दोनों का टाइम डिफरेंस अगर आप देखें तो ये 0.7 सेकंड्स ही बनता है, माइनस करके देखें तो ये इतना आ रहा है। बी में कहता है एथलीट पी वन द रेस एंड वाज 1.9, पी डिड नॉट विन द रेस, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एथलीट एस वन द रेस, एथलीट एस वन द रेस, तो ये तो बातें गलत है। वन का ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। देखिए, वन का लुक बैक तो ये वन का ए ही बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू पे आइए। कहता है कि अ स्टूडेंट, सी इट सेज अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अ स्लोप। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अ स्लोप। कहता है द डायग्राम शोज द स्पीड वी ऑफ द बॉल एट डिफरेंट टाइम्स। The diagram shows the speed v of the ball at different times. कहता है which statement describes the motion of the ball? तो आपको वो कहता है कि कौन सा डायग्राम जो है वो मोशन ऑफ द बॉल को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, आप देखिए, इधर टाइम 0 सेकेंड्स पे वो 0 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है, टाइम 0.2 सेकेंड्स है, 0.4 है, 0.6 है, तो देखिए एक जैसा राइज इन टाइम आ रहा है, ठीक है। बट इधर अब जीरो से ये 2.8 है, 2.8 से 5.1 है, 5.1 से 7 है, तो उसकी क्या होती जा रही है। देखिए, एक तो ये बात समझिए कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द बॉल, कि द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन स्पीड को जो पर यूनिट टाइम आ रही है। तो आप जरा देखिए कि इधर चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2.8 माइनस 0, ये 2.8 का आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 2.8 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आ रहा है स्पीड में, सॉरी सेंटीमीटर्स पर सेकंड का, क्योंकि उसने सेंटीमीटर्स पर सेकंड का दिया है। फिर ये 2.8 से 5.1 तक देखिए कितना आता है, 5.1 माइनस 2.8, तो ये आ रहा है आपके पास 2.3 का राइज, तो ये 2.3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है। और फिर 5.1 से 7 तक देखिए तो ये 7 माइनस 5.1, तो ये आएगा आपके पास 1.9, ठीक है जी। तो ये 1.9 सेंटीमीटर्स पर सेकंड ये ऐसे हो गया। तो गौर करिए, देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक जैसी नहीं आ रही ना, इज नॉट कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी को तो ही एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है दैट इज एक्सेलरेशन। तो गौर कीजिए कि जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है पर यूनिट टाइम,
वो एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब चेंज इन वेलोसिटी एक जैसी ना हो, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी, इतना हमें पता है कि ये एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि देखो स्पीड बढ़ती जा रही है, ओवरऑल स्पीड इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स इट्स एक्सेलरेटिंग, लेकिन कॉन्स्टेंट रेट से एक्सेलरेट नहीं कर रही वो। बात तो ए वाली ठीक लग रही है कि द एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। इधर वो कह रहा है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो वो तो डीसेलरेशन कहलाती है, और डीसेलरेशन तो यहाँ हो नहीं रही, स्लो डाउन तो हो नहीं रहा। देखो जीरो से स्पीड 2.8 पे चली गई, फिर 5.1 पे चली गई, फिर 7 पे चली गई, ये डीसेलरेट तो नहीं कर रहा, इसलिए ये बी वाली ऑप्शन तो गलत है। अच्छा, सी में कहता है द स्पीड इज डिक्रीजिंग, नहीं स्पीड तो इंक्रीज करती जा रही है, सी स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो सी गलत है। द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो देखिए वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो बढ़ती जा रही है, इसलिए ये डी भी गलत है। तो टू का ए ऑप्शन, इसका ये आंसर गलत है, टू का ए ये जवाब है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए, कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट कहता है अबाउट एक्सेलरेशन करेक्ट है? इट इज रिलेटेड टू चेंजिंग स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऊपर अभी हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था। इट इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन वन सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड तो स्पीड को कहते हैं, ठीक है। फिर इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, तो फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो हमें वर्क देता है, वर्क नहीं देता, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस तो ये तो कुछ भी हमें नहीं बताता, फोर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस कम से कम एक्सेलरेशन तो नहीं है। फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता, एफ इज इक्वल टू एम ए के थ्रू अगर फोर्स डिवाइड बाय मास होता तो फिर एक्सेलरेशन होता, बट ये फोर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस तो नहीं। तो ये अब तक तो खैर वैसे ए वाली बात सबसे क्लोजेस्ट लग रही है, क्योंकि देखें वो कहता है कि इट इज द फोर्स भी नहीं, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नियर टू द अर्थ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ को तो हम एक्सेलरेशन नहीं कहते, तो ए वाली बात सबसे करीब तरीन लग रही है। तो थ्री का आपका आंसर जो है वो ए, सी थ्री का ए ऑप्शन ये बनता है, ठीक है। तो थ्री का भी ए ऑप्शन ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब जरा देखिए क्वेश्चन फोर्थ में कहता है, क्वेश्चन फोर्थ में कहता है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग अ हैवी लोड इन अ कार। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ प्लेसिंग अ हैवी लोड इन अ कार। सर देखिए, आप जब हैवी लोड गाड़ी में रखेंगे तो उसका मास और ज्यादा बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो उसकी इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, याद है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो वो कहते हैं कि इट इज ईजियर टू एक्सेलरेट द कार एंड ईजियर टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट, ठीक है। अब जितना जितना इनर्शिया, अब देखो मास आप हैवी लोड डालते जाओगे, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, और इनर्शिया बढ़ने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को इनिशियली स्टार्ट करना भी मुश्किल होगा, और जब चल पड़े तो फिर उसे रोकना भी मुश्किल है। तो फोर्थ का देखिए जरा, कहता है इट इज ईजियर टू एक्सेलरेट द कार एंड ईजियर टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट, नहीं, हैवी कार को एक्सेलरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है और रोकना भी मुश्किल होता है, ईजियर नहीं होता। फिर कहता है इट इज ईजियर टू एक्सेलरेट, तो ईजियर का लफ्ज तो गलत ही है इधर। अच्छा, अब कहता है इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट द कार एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट। तो भी पिछले पेपर में मैं आपको बता रहा था कि जब आप हैवी लोड देखो उस गाड़ी में डालोगे तो इससे उसके मास पे फर्क पड़ेगा, मास ज्यादा होता जाएगा तो उसका इनर्शिया यानी अबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन वो बढ़ता जाएगा। तो जब बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसे इनिशियली चलाने में भी मुश्किल होती है, और एक बार चल पड़े तो फिर उसे रोकने में भी काफी मुश्किल होती है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि ये करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है। और डी में कहता है इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट बट ईजियर, नहीं, दोनों काम मुश्किल होते हैं। तो फोर्थ का सी ऑप्शन इसका जवाब होगा, तो फोर्थ का सी ऐसे करके ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है, देखिए फाइव में कहता है कि अ स्पेस प्रोब इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मार्स, ठीक है, अर्थ से मार्स आप जा रहे हो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक है। अब आपको पता है कि जी की वैल्यू जो मार्स पे है
जी की वैल्यू ऑन द मार्स इज 4 meters per second square, ठीक है, और जी की वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो है वो 10 meters per second square, ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा हुआ। अच्छा कहता है हाउ डू द वेट एंड द मास ऑफ द स्पेस प्रोब ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स कंपेयर नियर द वैल्यूज व्हेन द प्रोब इज नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मार्स पे क्या होगा, देखिए जी की वैल्यू उसकी लेस है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी लेस है, तो मास तो सेम रहता है। देखिए आपको पता है मास तो चाहे स्पेस प्रोब का अर्थ पे हो या मार्स पे हो तो वो अनचेंज्ड और अनचेंज्ड रहेगा, यानी ऑप्शन सी और ए तो गए। बट आप देखिए उसने कहा कि वेट ऑन मार्स उसका कैसा होगा, जी की वैल्यू लेसर है तो जाहिर है वेट ऑन मार्स भी लेसर होगा, तो डिक्रीज्ड मास होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये देखिए उसका जो वेट होगा W इक्वल टू एम जी, जी की वैल्यू ऑफ द मार्स जाहिर है कम है तो फिर उसका वेट कम निकलेगा, और अर्थ पे जी ज्यादा है तो ज्यादा निकलेगा। तो ये 5 का बी ऑप्शन, ये इसका ये जवाब आता है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। 6th में कहता है कि वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1000 केजी पर मीटर क्यूब, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज एन एवरेज डेप्थ ऑफ इतना, द लेंथ ऑफ द पूल इज इतना, द विड्थ ऑफ द पूल इज इतना, व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर इन द पूल। तो आपको पता है इस तरह के सवालों में सबसे पहले तो स्टेप 1 में आपने वॉल्यूम ऑफ द पूल निकालना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द पूल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से निकलेगा। अब देखिए उसने कहा है कि लेंथ ऑफ द पूल 25 है, विड्थ 10 है, और हाइट उसकी डेप्थ ही उसकी हाइट होती है, तो ये आएगा 25/10/1.6, तो ये उसका मीटर क्यूब्स में वॉल्यूम निकल आएगा। तो अब देखिए 25 × 10 × 1.6 तो ये आएगा 400 meters cubed, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी की जगह हम 1000 लिखेंगे, मास हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम है 400। देखिए डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है ना, तो वॉल्यूम भी सब मीटर्स 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 से मीटर क्यूब में ही आ रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 400 को, तो ये कितना आ जाएगा 1000 × 400 इक्वल टू द मास, तो मास विल बी इक्वल टू 400,000 kg। इसका मतलब है 400,000 kg इसमें पानी होगा, तो मास ऑफ द वाटर इन द पूल क्या होगा 400,000, मतलब कि 6th का सी ऑप्शन ये आंसर होगा। क्लियर है, इफ यू चेक बैक तो 6th का आपको सी ही मिलेगा, 6th का सी ऑप्शन। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 7th पे आए, कहता है सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो, नहीं, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाता है तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स उस पर एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज टुवर्ड्स द अर्थ, बिल्कुल सही जवाब है 7th का, ये तो डायरेक्ट ही फैक्ट फिगर्स थे जो हमने नोट्स में पढ़े हुए थे। और कहते हैं द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज अवे, नहीं, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, नो। हमेशा याद रखिए कि जब भी, अब ये अर्थ, ये अगर सपोज अर्थ है और ये सैटेलाइट एस है, ये अगर इसके गिर्द घूम रहा है तो याद रखिए सैटेलाइट पे हमेशा फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये भी रिसेंट पेपर पिछले वाले में भी एग्जैक्टली यही बात डायग्राम से डिस्कस हो रही थी। तो 7th का बी ऑप्शन ये जवाब इसका होना चाहिए, इफ यू लुक बैक तो 7th का बी ये आपका जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8th पे आइए, देखिए कहता है 8th में कि टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हिच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। कहता है कि दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, दे एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हिच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। देखिए अब अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ खींच रहा है फोर्स और एक इस तरफ जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स तो हमेशा इस जगह से ऐसे जाना चाहिए ना, तो ये तो रिजल्टेंट इधर दिखा रहा है तो ये तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगर एक फोर्स इस तरफ लग रही है और एक फोर्स इस तरफ लग रही है तो हमने सीखा हुआ है कि रिजल्टेंट तो इस तरह कहीं जाएगा ना, एज अ रिजल्ट एक फोर्स इधर ऑब्जेक्ट को खींच रही है किधर खींच रही है, तो ये एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस ऐसे जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत है।
सी में देखिए कि इधर आपके पास फोर्स ऐसे जा रहा है और इधर आपके पास फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ऐसे करके। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन इसका जवाब ऐसे करके आ जाएगा। सी फॉर नाउ अपीयर्स टू बी करेक्ट, ये आपका जवाब है। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसमें कहते हैं कि ये जो आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, जरा गौर कीजिएगा कि इधर से फोर्स यूं लग रही है और इधर से फोर्स इस तरफ लग रही है, तो यहाँ से ये ऐसे इस तरफ तो नहीं आएगा, तो ये तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही ऑपोजिट दी हुई है, तो ये इसलिए गलत होगा। तो सी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। तो एट का सी आप चेक कर लीजिए, सी एट का सी आंसर ये आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको सिंपल डायग्राम मालूम है। आप जरा देखिए, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट प्लस 3 meters per second। अच्छा, आपको याद है प्लस 3 अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर इस तरफ की स्पीड को मैं प्लस 3 लूंगा तो फिर इसके ऑपोजिट जो होगी वो नेगेटिव होगी। कहता है आफ्टर अ टाइम द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट माइनस 4। अच्छा, अब अगर ये प्लस 3 पे इस तरफ जा रहा है, माइनस 4 का मतलब है कि इसकी रुख अब एकदम रिवर्स हो गया है और अब ये माइनस 4 meters per second आ रहा है। ठीक है, तो पहले इस तरफ राइट पे जा रहा था अगर प्लस 3 से, तो माइनस 4 का मतलब है कि अब वो ऑब्जेक्ट रिवर्स हो गया है, क्योंकि माइनस का मतलब उसकी डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो गई। तो अब वो कहता है कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। अब देखिए, आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 kg है, ऑलरेडी SI यूनिट्स हैं, ये भी SI यूनिट्स हैं। तो वो कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को ही कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम आपने कैसे फाइंड करना होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मास को कॉमन ले लो, क्योंकि वो तो कॉमन ही है, वी माइनस यू होगा। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 3 है और फाइनल वेलोसिटी वी है। ये देखो ना, इनिशियली ऑब्जेक्ट पॉजिटिव 3 से इधर जा रहा था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फिर उसकी वेलोसिटी माइनस 4 होने का मतलब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो 5 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी है, वी वॉज माइनस 4, तो मैं इधर से माइनस 4 लगा लेता हूँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 5 × −7, ये −35। तो मैं माइनस का जो है वैल्यू, बेशक बस आप इग्नोर कर दिया करो, तो वैसे इस वक्त तो ऑप्शंस के साथ ही आ रहा है, तो −35 ये जवाब आपका आना चाहिए। अभी साइंस को नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि वो पिछले ईयरली के अंदर उसने सवाल में टाइम पूछा था, इसलिए उसमें साइन हमने नहीं इतना लिया, लेकिन ये −35 kg/s आएगा। तो देखिए ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 3 है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला था mv − mu। ठीक है, तो m आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर v माइनस यू बचा, फाइनल वेलोसिटी माइनस 4 ली, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 3 ली, तो ये 5 × −7 आ जाएगा −35। तो दिस वुड बी ए ऑप्शन इज द आंसर। तो 9th का ए हमारा जवाब बनेगा। तो चलिए जरा चेक भी कर लेते हैं, 9th का ए ऑप्शन। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है व्हिच एनर्जी रिसोर्स इज नॉट रिन्यूएबल। अच्छा, नॉट रिन्यूएबल का मतलब है कि जो रिसाइकल नहीं होती। देखिए, जियोथर्मल हमारी अर्थ से आती है, तो ये तो रिन्यूएबल है। ठीक है, दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि अर्थ जब तक है वो उसमें हॉट रॉक्स हीट देती रहेंगी। न्यूक्लियर फिजन जो है, देखिए ये, अच्छा, सोलर भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये भी रिसाइकल जा रहा है, सन है तो तब तक एनर्जी मिलती रहेगी, विंड भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। न्यूक्लियर फिजन जो है ये एक रिन्यूएबल नहीं है ये, बिकॉज इसमें यूरेनियम इज यूज्ड, और यूरेनियम जो है उसकी सप्लाई एक दिन आने वाले टाइम में जाहिर है एग्जॉस्ट तो होगी, खत्म तो होगी, तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है, इस एनर्जी रिसोर्स को हम रिन्यूएबल नहीं कह सकते, यानी नॉट रिन्यूएबल। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल, गैस है, ये भी रिन्यूएबल नहीं है, बिकॉज दे विल एग्जॉस्ट वन डे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 10th का बी ऑप्शन इज नॉट रिन्यूएबल, बाकी सारे रिन्यूएबल सोर्स हैं 10th का बी। जरा क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए,
कहता है अ कार ऑफ मास 5000 केजी इज मूविंग एट 10 मीटर्स पर सेकंड, द इंजन डज अ वर्क ऑन द कार एंड द स्पीड इंक्रीजेस टू 16, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। अच्छा देखिए आप ये सोचें कि इस वक्त इसका जो मास है वो 500 केजी आ रहा है, ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी उसकी 10 मीटर्स पर सेकंड थी, सब कुछ ऐसे यूनिट्स में चल रहा है। तो कहता है द इंजन डज अ वर्क एंड द कार स्पीड इंक्रीजेस टू 16, तो फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर्स पर सेकंड पर चली गई। तो वो कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। तो बेसिकली अगर आप इसमें ये देखें कि इधर कुछ मास और वेलोसिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं तो कुछ दिमाग में आपके काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आना चाहिए। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या। देखिए बच्चों इसमें आपने ये करना है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड। अच्छा कई लोग इसमें ना गलती करते हैं, आपने यहाँ बेसिकली देखना है कि ये जो एनर्जी इंजन लगा रहा है, देखिए हाउ मच, या यूं कह लें कि ये जो वर्क डन इंजन कर रहा है, ये वर्क डन जो है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में रिजल्ट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए जब ये गाड़ी मूव कर रही थी एट 10 मीटर्स पर सेकंड तो उस वक्त भी तो इसमें एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी। फिर जब इंजन ने मजीद वर्क किया तो इंजन तो देखें जब ये इस पे मूव कर रहा है तो इंजन तो तब भी वर्क कर रहा है, फिर जब उसने मजीद वर्क डन किया तो स्पीड कहता है इंक्रीजेस टू 16 मीटर्स पर सेकंड। तो आप ये देखिए कि इसकी अगर हम यूं करें कि देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखिए हाफ और एम तो हम कॉमन ले लेते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे निकल आएगा ये। तो अब मुझे ये बताइए कि ये आएगा हाफ इंटू मास है 500 केजी इंटू फाइनल वेलोसिटी है 16 स्क्वायर का माइनस 10 का स्क्वायर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ये कितनी निकलेगी, उसी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 0.5 इंटू 500, ये आएगा 250 इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आएगा 156। तो 250 इंटू 156 ये कितना आ जाएगा 39,000। इसका मतलब है कि उसका जो मजीद जो उसने फर्दर वर्क किया होगा वो 39,000 जूल्स का। तो ऑप्शन सी इस केस में ये जवाब होगा। तो 11th का सी आंसर, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द डायग्राम शोज अ सॉलिड ब्लॉक resting on a bench. The dimensions of the blocks are shown. On which labeled surface should the block rest to produce the smallest pressure on the bench? तो कहता है कि किस labeled surface पे वो block rest करे to produce the smallest pressure on the bench. तो आप ये देखिए कि देखिए सवाल में कहता है the diagram shows a solid block resting on a bench. The dimensions of the block are shown. तो वो कहता है कि on which labeled surface should the block rest to produce the smallest pressure on the bench. अच्छा smallest pressure आपने निकालना है तो pressure वैसे आपको पता है कि is inversely proportional to area, right? अब block का weight तो same है ना, तो force तो मैंने constant कर दी, तो pressure और area inversely proportional है। अगर आपको smallest pressure चाहिए, देखिए pressure smallest यानी minimum चाहिए, तो आपको इसको maximum area वाली surface पे लिटाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। सी प्रेशर मिनिमम चाहिए तो फिर आपको एरिया मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब मैक्सिमम एरिया इसका किस कौन सी वाली सरफेस का बनता है, देखिए इसका जाहिर बात है कि ये जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है 80 और ये जो है इसकी 20। देखिए अगर आप ये कहते हो ना कि 80 और 20 वाली सरफेस पे अगर इस सरफेस पे हम लिटाएंगे तो ये 80 इंटू 20 है यानी ये 1600 आएगा। बट अगर आप इसको 80 इंटू 40 पे लिटाओ, देखो ना ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये 80 इंटू 40 जो होगा आपका
ये इस पी वाले एरिया पे अगर आप लिटाएं इसको, ठीक है, पी वाले पे, तो पी वाला एरिया आपको मैक्सिमम एरिया देगा और फिर इस पे प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा। समझ रहे हो ना कि देखिए ये 80 है और ये अगर 40 है तो ये भी तो 40 cm होगा, तो 80 into 40 से ये वाला एरिया पी जो निकलेगा ये सबसे मैक्सिमम एरिया है, हेंस इसका प्रेशर सबसे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है पी की सरफेस पे अगर आप इसको लिटाएं तो ये सबसे लीस्ट प्रेशर इस तरह देगा। तो 12th का ए ऑप्शन होना चाहिए, जरा ये देख लेते हैं, तो सी 12th का ए ऑप्शन, ठीक है। अब जरा आइए फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th पे। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, 60 सेंटीमीटर्स, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट इट दिस डेप्थ इज 9000 पास्कल्स। कहता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा आप मुझे बताएं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। अब देखें आपको ये देखना है कि इसका प्रेशर 9000 पास्कल्स है, तो प्रेशर की जगह 9000 लिख देंगे, और हमने डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ढूंढनी है तो वो रो ही रहने देते हैं। जी की वैल्यू 10 है, लेकिन अब इधर जो ब्लंडर होगा वो ये होगा कि लोग इधर हाइट को मीटर्स में चेंज नहीं करेंगे। याद रखें जब ये पास्कल्स में है, एसआई यूनिट्स में है, तो फिर रो जी और एच भी एसआई यूनिट्स में होना चाहिए। तो इसने ये जो दिया हुआ है ना 60 सेंटीमीटर्स, इस 60 सेंटीमीटर्स को आपने मीटर्स में चेंज करना है, तो ये आएगा डिवाइड बाई 100 होके 0.6। तो ये ध्यान आपने करना है कि इधर हाइट इसकी 0.6 डलेगी बच्चों, नॉट वो वाली। तो 9000 इज इक्वल टू ये आएगा रो इंटू 10 इंटू 0.6 होता है 6, और फिर रो आएगा, देखो ना ये समझ रहे हो, ये 10 इंटू 0.6 आ गया 6, और फिर ये नीचे ले जाके 9000 अपॉन 6 जो है वो डिवाइड करेंगे, तो रो कितना निकल आएगा 9000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपके पास 1500। तो ये 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपके पास इसका जवाब है। तो इट मींस कि ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी 1500 केजी पर मीटर क्यूब। थर्टींथ का सी ये जवाब है, मोस्टली दे आर न्यूमेरिकल्स, इसको जरा आपने समझना। क्वेश्चन नंबर 14th में कहता है कि विच रो डिस्क्राइब्स द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। देखिए पिछले ईयरली में उसने गैस का पूछा था, अब सॉलिड का पूछा। तो सॉलिड में फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स स्ट्रांग होती हैं, तो ये सी और डी तो गया। फिर कहता है कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ओनली, तो ये बी ऑप्शन, तो ये तो मैं डायरेक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, 14th का बी, उसी ये आपके पास बी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15th में कहता है वेट क्लोथ्स आर हैंगिंग आउटसाइड टू ड्राई, ठीक है। सवाल है, वो कहता है कि वेट क्लोथ्स आर हैंगिंग आउटसाइड टू ड्राई, व्हाट कंडीशंस डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। अच्छा आपको पता है ना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर, सर्फेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू द सराउंडिंग, इफेक्ट ऑफ विंड एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर बढ़ाने से वैपरेशनल स्पीड बढ़ेगी, सर्फेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू द सराउंडिंग बढ़ाने से वैपरेशनल स्पीड बढ़ेगी, और विंड चलाने से भी वैपरेशनल स्पीड बढ़ेगी। सिर्फ ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है हवा में, ह्यूमिडिटी कहते हैं मॉइस्चर की अमाउंट को, जितना हवा में मॉइस्चर बढ़ता जाएगा इवेपोरेशनल स्पीड स्लो होती जाएगी, बिकॉज याद है कि ऑलरेडी हवा सैचुरेटेड होगी विद वेपर्स, तो उस लिक्विड से मजीद वेपर्स ऊपर हवा में आने की जगह नहीं होगी, इसलिए इवेपोरेशनल स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो कहता है कि व्हाट कंडीशंस डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स, फोल्डेड क्लोथ्स। अच्छा हायर टेम्परेचर से तो स्पीड बढ़ेगी, वो कह रहे हैं किस कंडीशन से डिक्रीज होगी। तो मुझे ए पढ़ के शक हो रहा है कि यार फोल्डेड क्लोथ्स का मतलब है सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग कम होगा, तो जाहिर है वैपोरेशनल स्पीड कम होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो जाहिर है फिर वो जो है वो मजीद उसकी क्या होगी, उससे कहा ना सॉरी कि व्हाट कंडीशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ वैपोरेशन। तो मुझे तो यही लग रहा है कि फोल्डेड क्लोथ्स
जो है वो आपका इवेपोरेशनल स्पीड को डिक्रीज करेंगे। अच्छा, दूसरा हायर टेम्परेचर तो स्पीड इंक्रीज करता है। वेटर क्लोथ्स होंगे तो इसका मतलब है सरफेस एरिया, ये जो आपके पास वेटर क्लोथ्स, एक मिनट, व्हाट कंडीशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। हाँ, वेटर क्लोथ्स से तो देखिए ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज। वजह ये है कि इवेपोरेशन तो वैसे भी सरफेस से होनी है, ठीक है, और विंडी डे इससे भी स्पीड बढ़नी है। तो ए ऑप्शन जो है कि फोल्डेड क्लोथ्स होंगे, तो खुद सोचें जब उसका सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ ही एक्सपोज टू द सराउंडिंग कम है, तो वो वेटनेस पूरी तरह एक्सपोज ही नहीं होगी टू द सराउंडिंग, तो फिर वो इवेपोरेशन स्पीड ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो 15 का ए ऑप्शन इसका ये आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए थर्मल में से बहुत सिंपल सिंपल सवालात होते हैं। कहता है द डायग्राम शोज अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, द डायग्राम शोज अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। कहता है द डिजाइन ऑफ दिस थर्मोमीटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, द डिजाइन ऑफ दिस थर्मोमीटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर्स। नंबर वन, अ लिक्विड विच एक्सपैंड लीनियरली व्हेन इट इज हीटेड, ठीक है। नंबर टू, अ ग्लास बल्ब विच हैज अ थिक ग्लास वॉल and a capillary tube with a very small diameter. वो कहता है which features increase the sensitivity of the thermometer. तो आपने पढ़ा हुआ है कि sensitivity को बढ़ाने के लिए, sensitivity कहते हैं the rise in the liquid column for every 1 degree rise in temperature. तो अब इसमें वो कहता है कि which features increase the sensitivity of the thermometer. तो sensitivity of the thermometer जो है वो किन factors से बढ़ेगा? देखिए, a liquid which expands linearly when it is heated. लीनियरली का मतलब होता है कि फॉर एवरी 1 degree सेम राइज होना चाहिए, तो वो तो सेंसिटिविटी में तो हमने राइज इंक्रीज करानी है हमने सेंसिटिविटी, तो ये पहला फैक्टर तो नहीं उसको इंक्रीज कर रहा। दूसरे में कहता है अ ग्लास बल्ब विच हैज अ थिक ग्लास वॉल। अच्छा, अब अगर थिक ग्लास वॉल होगा तो हीट के इस लिक्विड के अंदर तक पहुँचने में टाइम लगेगा, तो जाहिर है फिर ये राइज तो फिर कम कम होगा, तो ये थिक ग्लास भी, ग्लास बल्ब विच इज अ थिक ग्लास वॉल, ये भी इसमें कुछ एडअप नहीं कर रहा। थर्ड में कहता है कैपिलरी ट्यूब विद अ स्मॉल डायमीटर। याद है आपको बताया था कि सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर सिर्फ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक उसकी जो ये जो अंदर कैपिलरी है इसका डायमीटर, जितना पतला डायमीटर होगा, खुद सोचो कि फिर हर डिग्री के लिए राइज इन द लिक्विड ज्यादा ज्यादा आएगा, पतली ट्यूब में लेवल ज्यादा राइज करता, तो ये वाली बात अब तक वो सही बैठ रही है कि बाकी 1, 2 तो बिल्कुल गलत है, तो 3 ओनली इस हिसाब से पर डी ऑप्शन ये बनता है। और दूसरा देखिए, सेंसिटिविटी को दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एक इस कैपिलरी का जो डायमीटर है और दूसरा साइज ऑफ द बल्ब, ठीक है, तो बल्ब की थिकनेस नहीं उसको डिपो करती, तो ये जाके जरा बेशक देख भी लीजिएगा, 16 का डी ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए, इसी 16 का आपके पास डी ये बनता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसमें 17th में कहता है द डायग्राम्स शो फोर ब्लॉक्स ऑफ स्टील, द डायग्राम्स शो फोर ब्लॉक्स ऑफ स्टील, द ब्लॉक्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, द सेम क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी इज गिवन टू ईच ब्लॉक, ठीक है। तो कहता है विच ब्लॉक शोज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब आपको ये पता है कि देखिए वो कहता है कि द डायग्राम शोज फोर ब्लॉक्स ऑफ स्टील, द blocks are all drawn to the same scale, the same quantity of thermal energy is given to each block. अच्छा, अब सबको आप एक जितनी energy heat की दे रहे हो, ठीक है, सबको suppose वो कह रहे जी एक जितनी energy E मिल रही है, ठीक है, तो वो कहता है कि the same quantity of heat is given to each, what is, which block has the greatest rise in temperature? अच्छा, अब आपको पता है कि ये चूंकि सब steel ही के हैं, तो इनका जो वो होगा specific heat capacity वो सेम होगा ना, सबका सी भी देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका 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 सबका सेम है, तो आपको पता है कि जब आप हीट देते हो और उससे टेम्परेचर राइज का जिक्र हो तो फिर एम सी डेल्टा थीटा लगता है, याद है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से, उसने कहा ना कि कौन सा ब्लॉक जो है शोज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर, तो अगर मैं डेल्टा थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये ई अपॉन एम सी आ रहा है, अपॉन एम सी, अगर ये डेल्टा थीटा आ रहा है तो जरा देखिएगा आप इसमें, सी ई अपॉन एम सी अगर डेल्टा थीटा आ रहा है, तो आप ये देखो कि
एक चीज इसमें ये देखनी चाहिए, ई अपॉन एम सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा थीटा और मास का इनवर्स ताल्लुक है ना, तो सी तो सबका कांस्टेंट है, इसको तो काट, तो डेल्टा थीटा और मास का इनवर्स ताल्लुक है। तो आप ये देखिए, कहता है कि विच ब्लॉक शोज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर। ग्रेटेस्ट राइज वही दिखाएगा ना जिसका सबसे स्मॉलेस्ट मास हो। ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा थीटा मैक्सिमम चाहिए तो फिर मास सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो ये ए वाला ऑब्जेक्ट सबसे मिनिमम मास नहीं लग रहा, क्योंकि ये सारे ए की स्टील के बने हुए हैं। सी सब स्टील के ब्लॉक्स हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ऐसे करके। तो बेसिकली ये डेल्टा थीटा और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो कहता कि विच ब्लॉक शोज द स्मॉलेस्ट राइज इन टेम्परेचर, तो स्मॉलेस्ट राइज के लिए फिर मैक्सिमम मास होना चाहिए था, वो फिर ये डी होता। लेकिन जब सेम सबको हीट दे रहे हो तो खुद सोचो, वैसे वाकई ये छोटा मास ही सबसे जल्दी ज्यादा राइज इन टेम्परेचर शो नहीं करेगा। तो 17th का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये लॉजिक बता रहा था आपको ऐसे साथ, तो 17th का ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 18th पे। 18th में कहता है अ रूम इज हीटेड बाय रेडिएटर। कहता है द डायग्राम्स एक्स एंड वाई शो टू पॉसिबल कैलकुलेशंस ऑफ हॉट एयर व्हिच हीट द रूम। अब वो कहता है देखिए कि अ रूम इज हीटेड बाय अ रेडिएटर। तो कहता है कि एक रूम है, इट इज हीटेड बाय अ रेडिएटर, द डायग्राम्स एक्स एंड वाई शो टू पॉसिबल सर्कुलेशंस ऑफ हॉट एयर व्हिच हीट द रूम। तो अब आप ये देखिए कि द डायग्राम्स एक्स एंड वाई शो टू पॉसिबल सर्कुलेशंस ऑफ हॉट एयर व्हिच हीट द रूम। ठीक है, ये वही कन्वेक्शन वाला केस है। तो कहता है विच डायग्राम शोज अ रीजन, विच डायग्राम एंड रीजन एक्सप्लेन्स द हीटिंग ऑफ द रूम बाय कन्वेक्शन। अब देखिए, आपको पता था ना कि ये जो एयर पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट विद द रेडिएटर है, ये उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये सारी गैस हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड होगी। वो कन्वेक्शन साइकिल याद है कि जब ये एक्सपैंड होगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जब इस गैस का बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी, दीज पार्टिकल्स विल बिकम लाइटर एंड दे विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड्स। इनकी जगह लेने टॉप से जो कोल्डर एयर है वो नीचे सिंक करती है, ठीक है, फिर वो भी यही प्रोसेस से गुजरती है, हीट अप होके राइज करती है। तो इस तरह फिर पूरे कमरे में एक कन्वेक्शनल साइकिल डेवलप होता है जिससे हीट थ्रू आउट द रूम फिर ऐसे फैलती है। अच्छा, अब जब ये बात हो गई तो वो कहता है कि विच डायग्राम एंड रीजन एक्सप्लेन द हीटिंग ऑफ द रूम बाय कन्वेक्शन। तो देखिए कि आपके पास ये डायग्राम है और ये रीजन है, तो ये एक्स एक्स वाई एंड वाई, ठीक है। तो कहता है कि एक्स की जो एयर डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन एयर इज हीटेड, और एक्स में एयर डेंसिटी इंक्रीजेज व्हेन एयर इज हीटेड, वाई में एयर डेंसिटी डिक्रीजेज। तो अब आपने ये देखना है कि डायग्राम कौन से वाला दुरुस्त है। देखिए, कन्वेक्शन में एक्स वाला डायग्राम सही है बिकॉज हीट होके यहाँ से राइज होगा, ठीक है, और इधर से वो ऊपर से टॉप से वो फॉल करती है नीचे। तो ज़रा एरोस पे गौर करो, ये यहाँ से राइज कर रहा है और इधर से पूरी सर्कुलेशन यूं बन रही है। जबकि आपके पास ये जो दूसरा डायग्राम है, इसमें देखो यहाँ से ये इधर से हीट जाते हुए दिखा रहा है, तो हीट इस तरफ तो नहीं इधर से ऊपर जाती, रेडिएटर के पास वाले इलाके से इट स्टार्ट्स राइजिंग एयर, गर्म हवा ऊपर राइज करती है और कोल्डर एयर नीचे फॉल करती है। तो ये तो हमें क्लियरली पता है कि डायग्राम एक्स दुरुस्त डायग्राम है, वाई इज नॉट अ करेक्ट डायग्राम, वाई में सीक्वेंस उसने गलत दिया। तो या तो एक्स है या एक्स है, तो इसका मतलब है सी डी ऑप्शन तो गया। फिर कहता है एक्स है, और फिर कहता है एयर डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन एयर इज हीटेड, तो एयर डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन एयर इज हीटेड। तो आप गौर कीजिएगा कि एयर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये तो पूरा वही है कि एयर हीट अप होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वो डेंसिटी कम होती है और वो राइज करके ऊपर जाती है। तो एयर डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन एयर इज हीटेड, तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। 18th का ए बिल्कुल ठीक आंसर है। बी तो कह रहे हैं एयर डेंसिटी इंक्रीजेज व्हेन एयर इज हीटेड, ठीक है, एयर डेंसिटी बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो 18th का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये तो खैर कन्वेक्शनल साइकिल की स्ट्रेट अवे बात थी। अच्छा, अब कहते हैं टू कॉपर कंटेनर्स पी एंड क्यू आर फिल्ड विद हॉट वाटर।
देखो पी भी और क्यू भी कहता है दे आर फिल्ड विद हॉट वाटर, द डायग्राम्स आर बोथ ड्रॉन टू द सेम स्केल. वो कहता है कंटेनर पी एमिट्स मोर इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम इट्स सरफेस एंड देन कंटेनर क्यू. अच्छा अगर पी मोर एमिशन कर रहा है, देखिए ना इसकी मोर रेडिएशंस एमिट कर रहा है ये, और क्यू जो है वो लेस रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्यू का जो कलर है पी का, देखिए आपने भी फैक्ट पढ़ा था कि जो डल या ब्लैक सर्फेसेस हैं वो एब्जॉर्बर्स भी अच्छे हैं और फिर एमिटर्स भी अच्छे हैं. तो अगर पी कहता है, देखो ना उसने कहा कंटेनर पी एमिट्स मोर इंफ्रारेड रेडिएशन, तो अगर पी ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा है इसका मतलब है कि पी का डल या ब्लैक कलर है, ठीक है, और क्यू का यहाँ से वाइट या शाइनी या कोई लाइटर कलर होगा क्योंकि ये लेस रेडिएशन इसीलिए दे रहा. तो कहता है व्हाट इज अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस, कि द सर्फेसेस ऑफ पी आर पेंटेड वाइट. नो पी का पेंटेड वाइट तो नहीं, ठीक है, तो 19th पे हम ये देख रहे हैं कि पी का वाइट नहीं है. फिर कहता है कि अगला ऑप्शन में कहता है कि द सर्फेसेस ऑफ पी आर शाइनी, पी शाइनी तो नहीं है, डल या ब्लैक होगा. तो अगले ऑप्शन में कहता है द सर्फेसेस ऑफ पी हैव अ स्मॉलर एरिया देन द सर्फेसेस, एरिया से तो कोई ताल्लुक नहीं है रेडिएशंस के एमिट होने का, रेडिएशंस के एमिट होने का कलर से ताल्लुक. तो ये सी वाली बात भी हमारी यहाँ से खत्म हो गई. तो डी में कहता है द वाटर इन पी इज हॉटर देन द वाटर इन क्यू. अच्छा अब वैसे तो कलर से हम इसको ताल्लुक देते बट जब ए बी सी बिल्कुल ही गलत बातें हैं तो डी में फिर ठीक है कि द वाटर इन पी इज हॉटर देन क्यू. देखिए इसका टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है ना, अगर इसके अंदर हायर टेम्परेचर का लिक्विड पड़ा हुआ है और इधर लोअर टेम्परेचर का लिक्विड पड़ा हुआ है तो उससे भी तो ये फर्क पड़ता है रेडिएशंस पे. हायर टेम्परेचर वाला ज्यादा रेडिएशंस पर सेकेंड थ्रो करेगा और लो टेम्परेचर वाला थोड़ी रेडिएशंस थ्रो करेगा. तो इन सब में सबसे करेक्ट बात ये वाली आपके पास आ रही है, ठीक है. तो ये चीज याद रखें कि देखें ए बी सी तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो डी सबसे क्लोजेस्ट पर बात है. हाँ अगर ये वाला ऑप्शन होता ना कि द सर्फेस ऑफ पी आर पेंटेड ब्लैक या डल तो फिर उसको हम टिक मार देते. तो कलर का इफेक्ट पहले देखें बट उससे अगर ना हो तो फिर क्लोजेस्ट बात 19th का डी ऑप्शन होना चाहिए. तो 19th का डी ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है. अब इसी तरह से देखिए कि इसमें क्वेश्चन नंबर 20th पे जरा आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20th में देखिए कहता है द डायग्राम शोज अ वेव, द डायग्राम शोज अ वेव, अभी आपको वेव दिखाया हुआ है. कहता है व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड द वेवलेंथ्स ऑफ दिस वेव, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड द वेवलेंथ्स ऑफ दिस वेव. देखिए आपको पता ना कि ये उस वेव का मीन पोजीशन होता है, जो नॉर्मल वेव की रेस्ट पोजिशन है इसको ये मीन पोजिशन कहते हैं. एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम पीक तक, तो वो यही चीज आपका वेव का एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं. एम्पलीट्यूड इसको कहा जाता है कि आपका ये जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम पीक तक इधर या इधर एक ही बात है, तो कोई एक सा फासला ले लें तो ये एम्पलीट्यूड तो 3 cm हो गया. तो एम्पलीट्यूड तो 3 या 3 है, तो ऑप्शन सी या डी तो गए, ठीक है जी. दूसरा कहता है वेव लेंथ क्या है. अच्छा अब वेव लेंथ की डेफिनेशन ये थी कि देखिए वेव इस फासले को कहते हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये वेव है. तो या तो इधर से लेकर इधर तक के फासले को वेव लेंथ या लैम्डा कहते थे. ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने 3-4 मुख्तलिफ पिक्चर्स की बनाई हुई है, याद है. या फिर इस पीक ऑफ द क्रेस्ट से कंजेकटिव क्रेस्ट तक के, देखो ये आधी क्रेस्ट, सी दिस इज हाफ क्रेस्ट, दिस इज फुल ट्रफ, ये फुल ट्रफ है और ये इधर तक आधी क्रेस्ट, ये भी तो एक मुकम्मल वेव बनती है ना. कि देखो हाफ ये वाली हाफ क्रेस्ट और हाफ क्रेस्ट, ये एक क्रेस्ट हो गई और एक पूरी ट्रफ. तो रिमेम्बर ये जो पिक्चर थी यहाँ से लेकर इधर तक सी, इधर से इधर तक और इधर से फिर इधर तक और फिर इधर से इधर तक, ये एक मुकम्मल वेव है. तो इसका ये जो फासला होगा तो ये होगा आपके पास 8 cm. इसका मतलब है कि ये लैम्डा आपके पास 8 cm आ रहा है ऐसे, तो वेव लेंथ जो है वो आपके पास 8 cm है. तो इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन आंसर होगा. तो 20th का आपके पास बी ऑप्शन जवाब होना चाहिए. सी 20th का बी
ये इसका जवाब होगा। तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशंस आपको जो बताई गई थी वो आनी चाहिए। अब कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इन अ माइक्रोवेव ओवन इज दिस। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 2400 मेगाहर्ट्ज़। कैपिटल एम याद है, मेगा होता है, तो फिर पहले तो इसको चेंज करेंगे ऐसा यूनिट्स हर्ट्ज़ में। मेगा याद है, 1 मेगाहर्ट्ज़ बेसिकली 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो 1 मिलियन हर्ट्ज़ होता है, ठीक है। मेगा मिलियन से निकला, मेगा जूल्स याद है हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, तो मेगा बेसिकली 1 मिलियन को कहते हैं, मेगा से मिलियन। अब देखो आपको इधर बड़ी इनडायरेक्ट उसने एक बात की है, कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स इन अ माइक्रोवेव ओवन आर दिस। तो पहले तो इसको चेंज करें मेगा हर्ट्ज़ टू दिस में, तो ये 2400 के साथ मिलियन आ जाएगा, क्योंकि आप बिग टू स्मॉल जा रहे हो, तो बिग टू स्मॉल में मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन करें तो 2400 इंटू 1 मिलियन इतना फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब न्यूमेरिकल में हम ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और चूंकि माइक्रोवेव्स हैं, आपको याद है माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा वो जो स्पेक्ट्रम था, राना मोहम्मद इफ्तिखार्स विजन यूजुअली एक्सीड्स गामा रेज, आपको पता है इन सारी, अब माइक्रोवेव्स इन्हीं का हिस्सा है, इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी ही होती है, तो फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है, वेलोसिटी इनकी 3×10⁸ मीटर्स पर सेकंड होगी। तो याद रखिए चाहे रेडियो वेव्स हों, चाहे माइक्रोवेव्स हों, चाहे इंफ्रारेड, चाहे विजिबल लाइट, चाहे अल्ट्रावायलेट, चाहे एक्सरेज, चाहे गामा रेज, आपने पढ़ा था ना कि दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे आर ऑल ट्रांसवर्स इन नेचर। इन तमाम वेव्स की मूवमेंट की शक्ल ऐसे वाली होती ट्रांसवर्स, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक में ये बात हमने पढ़ी थी। तो इनकी वेलोसिटी हमने यूं सोचा, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड यही होगी, फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई है। तो वो कहता है कि वॉट इज द वेव लेंथ, तो हमने लैमडा इधर से तलाश करना है, तो फॉर्मूला आपको याद है वी इज इक्वल टू एफ लैमडा, ये हमने इंट्रोडक्शन टू वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था। तो वेलोसिटी 3×10⁸ है, फ्रीक्वेंसी 2400 मिलियन है, ठीक है, और इंटू लैमडा है, तो फिर लैमडा को निकालना है, तो ये आएगा 3×10⁸ / 2400 मिलियन। तो ये कितना आ जाएगा लैमडा आपके पास, तो चेक करते हैं, तो ये कैलकुलेटर पे आप 3×10⁸ divided by 2400 million करेंगे तो 1/8 यानी 0.125, तो आपके पास ये आ रहा है 0.125 meters, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 21 का ए ये जवाब आपके पास ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आइए आप लोग नेक्स्ट उस पे। 22 में कहता है an object O is placed in front of a plane mirror as shown, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, अब देखिए जितना मिरर से रिफ्लेक्शन, तो आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है, फिजिक्स में भी, कि जितना इस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से होगा उतना ही इसका इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से अवे होगा। तो इस ऑब्जेक्ट O का इमेज 1 पे बन रहा है, तो वो कहता है कि an object O is placed in front of a plane mirror as shown, which row is correct? तो पोजिशन ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट अगर इधर खड़ा है तो इमेज तो 1 पे बनेगा, तो या तो ए है या बी, सी डी तो गया। और फिर दूसरा बात हो रही है मिरर की, तो मिरर में याद है अपराइट इमेज बनता है, अभी पिछले पेपर में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मिरर में नेचर ऑफ द इमेज रियल नहीं होती, लेंसेज में रियल इमेजेस बनते हैं एक्सेप्ट फॉर दैट वन केस जो हमने पढ़ा हुआ ड्रॉइंग्स में, लेकिन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज होता है। तो इमेज बनेगा 1 की पोजीशन पे, और वर्चुअल यानी एक ख्याली अनरियल, देखो ना असली ऑब्जेक्ट तो हवा में होता है, मिरर में तो जो उसका इमेज दिखता है वो तो एक ख्याली इमेज है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बन रहा है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट ना हो। तो मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ये जहन में रखें। तो 22 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए सवाल आते हैं, तो 22 का बी ये ऑप्शन बनता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आइए 23 में, देखिए 23 में वो कहता है कि
which statement is correct? The speed of light in glass is equal to the speed of light in vacuum multiplied by the refractive index. अब जरा देखिए, आपने इसमें ये देखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अच्छा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो या वैक्यूम, बात एक ही है, एक ही वैल्यू होती है ना. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी कह सकते हैं. एयर या वैक्यूम इसको एक ही मान लिया था, ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो जरा देखिए ना, उसने क्या कहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू. अच्छा, अब अगर स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्लास को इसमें से सब्जेक्ट बना लूं, तो ये ऊपर जाके स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्लास जो है वो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, ये एन तो फिर नीचे आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला बनता ना. तो अब इधर देखो, उसने कहा द स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम मल्टीप्लाइड नहीं, डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर होता डिवाइडेड बाय एन होता, ये इधर मल्टीप्लाइड के बजाय डिवाइडेड बोलता ना, तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता. तो ये एक सब्जेक्टेड फॉर्मूला का थोड़ा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे. अब वो कहता है कि द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन एयर ग्लास सर्फिस. देखिए, द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन एयर ग्लास सर्फिस इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सर्फिस. अब आप ये देखिए, सुनिएगा, देखिए, वो कहता है कि द इंसिडेंट एंगल, दोबारा जरा और से पढ़ते हैं, द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन एयर ग्लास सर्फिस इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सर्फिस. ना ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आता है, ये सपोज ग्लास सर्फिस है ना, तो देखिए ये जो आपका नॉर्मल बनता है, सी यहां से ये जो नॉर्मल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, देखो ना, ये पढ़ो जरा. कहता है द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन एयर ग्लास सर्फिस इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सर्फिस. यानी क्या ये एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सर्फिस को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं? बिल्कुल नहीं. इस रे और नॉर्मल के दरमियान, देखिए रे और नॉर्मल के दरमियान को हम ये वाला एंगल जो है, एक मिनट इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो एंगल है जो रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. बट ये तो गौर से पढ़ो, कहता है कि इट इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सर्फेस. तो रे के दरमियान और ग्लास सर्फेस के दरमियान एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते, बल्कि रे के दरमियान और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको कहते हैं. तो इस लिहाज से तो ए भी गलत बात, बी भी गलत बात. अब तक सी में कहता है द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल एट एन एयर ग्लास सर्फिस इज इक्वल टू वन ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये बात कुछ आपको पता है, एन इज वन अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. तो अब जब साइन सी ऊपर ले जाओगे, तो साइन सी इन टू एन इज इक्वल टू वन है, और फिर साइन सी को सब्जेक्ट बनाओगे साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो ये वन ओवर एन आएगा. ये बात सही लग रही है. कहता है द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, यानी साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल at an air glass surface is equal to, देखिए, is equal to one upon refractive index. तो ये one upon refractive index, यानी ये आंसर आ जाएगा. तो सी ऑप्शन इस केस में ये यू होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि 23 का सी जवाब इस केस में आएगा. तो 23 का हम सी आंसर इस केस में यू कर देंगे. ठीक है, आप लोग याद रखिये कि इंट्रूडर अलार्म में हमेशा इंफ्रा रेड रेडिएशन होती है. ये एक फैक्ट जहन में रख लीजिए. ठीक है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज द सेंसर डिटेक्ट. तो इंट्रूडर अलार्म्स, ये एक फैक्ट के तौर पे याद रखना है कि इंट्रूडर अलार्म्स डिटेक्ट, सी दे डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस. तो दे डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस. ठीक है, 25th में वो कहता है कि अ डॉल्फिन. अच्छा, अब जरा चेक कर लेते हैं 24th का, ए ही वैसे फैक्ट ये, तो 24th का यही होना चाहिए. जी ठीक है, ये फैक्ट याद रखना.
अब जरा देखिए इसको कि अ डॉल्फिन सेंड्स आउट अ साउंड वेव एंड एको रिटर्न्स इतने सेकंड्स लेटर। अच्छा एको का क्या मतलब है कि देखिए जब वो डॉल्फिन इधर से सपोज वेव भेजेगी तो टकरा के वो वापस आने में ये देर लग रही है, तो इसका मतलब है सिर्फ वन वे में तो इसका आधा टाइम लगेगा। तो वो कहता है कि अ डॉल्फिन सेंड्स अ साउंड वेव एन एको रिटर्न्स 0.10 सेकंड्स लेटर फ्रॉम अ फिश व्हिच इज 7.5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द डॉल्फिन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन वाटर। तो देखिए आपको ये बात समझ आ रही है कि एको रिटर्न कितनी देर में हो रही है, 0.101 सेकंड्स, तो इसका वन वे टाइम कितना होगा, 0.010 डिवाइड बाय 2 होगा। देखो एको में ना याद रखो ये तो जब वो कह रहे ना एन एको रिटर्न्स इतने सेकंड्स लेटर फ्रॉम अ फिश व्हिच इज 7.5 मीटर्स फ्रॉम द डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन में, अब मैं आपको यूं पिक्चर में दिखा देता हूँ, डॉल्फिन है और ये फिश है। अब उसने यहाँ से एक साउंड सिग्नल भेजा यूं करके सपोज, तो वो कहता है कि जब साउंड सिग्नल भेजा तो एको रिटर्न इतनी देर बाद हुई, इसका मतलब है कि जाने में और वापस डॉल्फिन को तक आने में टोटल टाइम आपका 0.01 सेकंड्स लगा। तो फिर वन वे टाइम क्या होगा, एक तरफा टाइम तो फिर कितना होना चाहिए, 0.010 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.010 डिवाइड बाय 2, तो दिस विल बी 5 0.0